देखिए आज हम आपको दिखा रहे हैं सब्जी मंडी के बाद एक है मच्छी मंडी, मछली मंडी। और मुझे तो ताज्जुब हुआ जब मैं कभी कभी सुनता था अखबार में पढ़ता था कि चेयरमैन दर्शन लाल लड्डू जी एक सब्जी मंडी के ही नहीं राजा हैं, तो उनके अंदर एक और मछली मंडी भी आती है। और ये फिश मार्केट जो ताजपुर रोड पर है, तो देखिए जहाँ पर ये जो रखे हुए हैं उन्होंने बॉक्स से रखे हुए हैं, इनमें मच्छी आती है। ये मच्छी कई तरह की होती है, जैसे आपको प्याज भी कई तरह के देखने को मिलते हैं, तो इसी तरह मच्छी भी कई तरह की है। ये जहाँ पर ये देखिए पानी के बीच में जहाँ से जो मच्छी आती है, ऐसे जिंदा मछली होती है इसके बीच में, और जब जो समुद्र की मछली होती है, मलेशिया की मछली होती है, सिंगापुर की मछली होती है, चाइना की मछली होती है, कनाडा की मछली होती है, ताइवान की मछली होती है, ऐसी मछलियाँ ये अलग अलग जगह से आती हैं। और रात को आप लोग जब खाते हैं तो आपने जब आप आदमी खाता देख नहीं सकता, लेकिन दूसरा जब आदमी कोई मच्छी खाता है उसको देखिए वो कैसे खाता है, हैं कैसा उसका मुँह होता है। और कभी आप होटल में गए हैं ना, तो आपने होटल में देखा होगा कि यहाँ दो टैग लगे होते हैं डिश के ऊपर, एक लाल वाला होता है एक हरे वाला होता है। लाल वाला होता है जो खून वाला होता है, खून वाली जो चीज़ें हैं, जो जितने भी हम मांस वगैरह खाते हैं तो ये सब मीट वगैरह खाते हैं, ये लाल रंग का होता है। और जब ग्रीन वाला टैग देखेंगे कि किसी होटल में जाएंगे रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो वहाँ पर जो ग्रीन वाला होता है वो वेज वाला होता है। तो देखिए जहाँ पर ये देखिए जहाँ पर दिखाते हैं आपको, ये जुड़ गया साथ, दिखाओ ये देखिए जहाँ पर ये साथ जोड़ दिया है, तो जहाँ से ये जो है फिश वगैरह का जो है जहाँ निकालेंगे, और देखिए जहाँ दिखा रहे हैं ये हम आपको धीरे धीरे करके हम आपको सब दिखाते हैं। मछली मंडी बच्चों ने आपने कभी देखी नहीं होगी, तो इस समय हम मछली मंडी में आए हैं। मछली मंडी कैसी होती है, मच्छी अगर नहीं खाई आपने, तो अगर आपके डैडी या पापा जो खाते हैं, तो देखिए जो मच्छी कहाँ से आती है। तो देखिए जहाँ पर ये जैसे वो सब्जी मंडी में पड़े होते हैं, वो क्या बोलते हैं, कैरेट वगैरह पड़े होते हैं, जहाँ पर ये फिश वाले जो पड़े हुए हैं, जहाँ पे इनको बोलते हैं समुद्री चक बोलते थे छोटे होते थे, उनको छोरी बोलते हैं। और देखिए जहाँ पर ये जो बड़े बड़े ट्रक खड़े हुए हैं यहाँ पर, और देखिए मच्छी मंडी ये जो है जहाँ पर हम धीरे धीरे करके बैक करेंगे गाड़ी यहाँ से, ये पता नहीं कितनी गंदगी आगे पड़ी हुई है। और ये क्या है इनके ट्रकों के बीच में, थोड़ा सा और दिखा देते हैं जहाँ पर देखिए कितने, वो देखिए दूर दूर तक ट्रक, इतना मच्छी खाते हैं लोग, ये लुधियाना शहर वाले बड़े बड़े ट्रक खाते हैं मच्छियों के भर के। देखिए जहाँ पर ये सब मच्छियों के ट्रक हैं जहाँ पर लगे हुए हैं, ये मच्छी कहीं समुद्रों में से आती है, समुंदर से आ रही है, ये बॉम्बे से आ रही है, कलकत्ता से आ रही है, मद्रास से आ रही है मच्छी, और बड़ी बड़ी गंगा से आ रही है, जमुना से आ रही है, सरस्वती से आ रही है, सतलुज से आ रही है, और छोटे छोटे टोए बना रखे हैं लोगों ने, गाँव से आ रही है, शहर से आ रही है, ये सब मच्छी जहाँ आती है। और जो मच्छी खाते हैं चाव से लोग, और मच्छी का रंग जो होता है पनीर जैसा होता है, जब जब बन जाती है, जब पनीर के जैसे पकौड़े होते हैं ऐसी जब मच्छी बनाते हैं लोग, फिर बड़े चाव से खाते हैं, कहते हैं हमारे में एनर्जी आ गई मच्छी खाने से। और एनर्जी पैदा करने वाली जो मछली मंडी है जहाँ हम आए हैं, बकरे का मीट होता है, मुर्गे का मीट भी होता है, ये एक मछली का मीट भी होता है, तीनों मीट ज़्यादा चलते हैं। तो पहले हम आपको मच्छी वाला दिखाते हैं जहाँ पर जो मच्छी जो है कैसे जहाँ ट्रकों में आती है, जहाँ से हम गाड़ी मोड़ेंगे फिर आपको दूसरी तरफ लेके चलते हैं। तो अभी जो उतार रहे हैं ना, ये जो फोक्सी है जो इसके ऊपर ये उतार रहे हैं, इसके नीचे मच्छियों के जो हैं वो निकलेंगे आपको, जो हमने कंटेनर से कैरेट दिखाए हैं ये मच्छियों के, अभी देखिए वो सारा बीच नीचे उतारेंगे, जितना ये लगा हुआ है जहाँ पर जो फोक है जो जिसको बोलते हैं जो चावल वगैरह का जो होता है, तो उसको जो सब निकाल देंगे ऊपर से, इसके नीचे से कैरेट निकलेंगे जो मच्छी जिसमें लेके आए हैं जी। हाँ, और ये देखें मेरे ख्याल जिंदा मछली लेके आते हैं जहाँ पर जी, अगर जिंदा नहीं लेके आते तो पता नहीं कैसे ये इनको स्टोर करके लेके आते हैं कि ये ताज़ी की ताज़ी रहें। क्योंकि देखिए आपने अगर बाहर की मच्छी खानी है, जो फॉरेन से मच्छी आई है, ताइवान से आई है, मलेशिया से आई है, थाईलैंड से आई है, तो उसको मच्छी को पहले वो देखिए वहाँ समुद्रों से आती है, समुद्रों के बाद फिर वो समुद्री जहाज़ होते हैं उसमें आते हैं, उसके बाद फिर जो आने में 6-7 दिन लग जाते हैं, 4 दिन लग जाते हैं बॉम्बे से मच्छी आते आते, भाई मच्छी आती है तो उसको बचा कर तो लेके आना ही, आपको गंदी मच्छी थोड़ी खिलाएंगे जी लोग, स्वादु मछली होगी तभी आप खाएँगे ना। तो देखिए ये मच्छी वो देखिए जहाँ पर जो सारा हटा रहे हैं वो सामने ट्रक निकाल रहे हैं बच्चों, ऐसे मच्छी आती है ये बाहर से जो समुद्र से आती है मच्छी, आप जो समुद्र से मच्छी आई जो दूसरे कंट्री से मच्छी आती है उसके नीचे सब कैरेट लगे होंगे, ये बारी बारी ये सुखलेंगे, 3 दिन में खुलता है, कोई 4 दिन में खुलता है, कोई 2 दिन में खुलता है, इसके अंदर मच्छी है। हाँ, ये सारी सभी ट्रकों के अंदर मच्छी है, देख लीजिए वो सामने दिखा दीजिए, वो कैरेट लगे हुए हैं ना पहले, उससे और वैसे फोक लगा हुआ था घास फूस से जो डाल रखा था इन्होंने, जो निकाला है इन्होंने फोक वगैरह, तो देखिए जो नीचे भी है, ये चावल का छिलकी है जो फक बोलते हैं इसको पंजाबी, जो फक
हैं, डेंगू वाले भी इसको जलाते हैं, और सोते बाद में डेंगू वाले, ये डेंगे भी साथ ही लगी हुई है यहाँ पे। देखिए मच्छी मंडली के पीछे एक तो मच्छी और पीछे जो डेंगे वालों, डेंगू वाले भी जितने भी जे भी जाने के एक बुढ़े दरिया के लिए अभिशाप ही है। अंदर है बिल्कुल, ये मच्छी मंडली है, यह सब्जी मंडी देखते हैं ना वहाँ पर आरती वगैरह बैठे हुए सब्जी लगा रखी होती है, तो यहीं पर ये सब्जी मंडी का जो हाल बना हुआ है, तो इसके बीच में ये जो मछली बेचने वाले हैं इन लोगों को लाट हुई है अपनी जगह 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 पर बैठे हैं जहाँ पर ये, और ये मछली वगैरह जहाँ बेच रहे हैं, जनता देखिए रिक्शा भी घूम रहा है जो है, ये सारा ये हम आपको हाल दिखा रहे हैं। ये मच्छी मंडी में आपको लेके आए हैं जो दर्शन लाल लड्डू जी, इसके चेयरमैन है, वो जहाँ पर भी रेड मारते हैं आगे, जहाँ पर कितनी सफाई हुई है या कितना टैक्स चोरी करते हैं, दर्शन लाल लड्डू जी बहुत ध्यान रख रहे हैं दोनों मंडियों का है। देखिए जहाँ पर ये जो आए हुए हैं, जो मच्छी बाहर से आई है, बड़े बड़े ट्रक खड़े हुए हैं, उन्हें मच्छी लाद के लाते हैं। देखिए इनके ऊपर ये लगे हुए हैं, टेप वगैरह लगे हुए हैं, आनव फिश, ये देखिए थोड़ा सा करूँ, कंपनी का नाम लिखा है आनव फिश इंटरनेशनल, भाई साहब इंटरनेशनल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, झूठ नहीं बोला था, ये बाहर के कंट्री से मच्छी आती हैं, ये देखिए यहाँ पे है, और देखिए कितनी मच्छी है यहाँ पर। देखिए मच्छी बाजार में आपको लेके आ गए भैया आज हम, देख लो मच्छी कितना कहना दिखाया नहीं, मच्छी कहाँ आती है, ये कैरेट जो लगे हुए हैं ये देखिए बॉक्स में आती है, ये समुद्री झाक जिन्हों कहते ने, और देखिए यहाँ पर ये बंद भी होती हैं, ये इतनी मच्छी पड़ी हैं, ये देखिए यहाँ पर अलग अलग मच्छियाँ हैं, अलग अलग जहाँ पर स्टोरेज का ढंग है, और ये देखिए जहाँ टब भी है जहाँ पर जो आप लोग नहाते हैं ना, जो घर में आपके लगे हुए हैं, ये टब है नहाने वाला, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, और देखिए जब मच्छी दिखा दी ना आपको हमने आज, यहाँ से गुजर रहे थे तो देखा कि मच्छी बाजार ही हम देख लें यहाँ पर, और देखिए जहाँ पर ये बाथरूम भी बने हुए हैं, ये भी दिखा दीजिए, जो हिंदुस्तान के बाथरूम तो हमेशा गंदे ही होते हैं, जैसे लोग वैसे बाथरूम, चाहे बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं लेकिन अकल तो उतनी होती है लोगों को, के ट्रक हैं जो छोटे छोटे जो ट्रक हैं जो जिंदा मछली लेके आते हैं, ये ट्रक जिंदा मछली देखिए बच्चों, जिंदा मछली देखिए जहाँ पर जे, और मच्छी मंडली का जहाँ से भी आपको दर्शन करा देते हैं, ये देखिए अंदर, इधर भी लगा दे थोड़ा सा, ये देखिए जहाँ पर कैसे खोले जाते हैं कंटेनर, जाके थोड़े से ले आते जिंदा मछली हैं जे, देखिए जहाँ पर ये आपके खाने के लिए तैयार हो गया है, जहाँ माल ये आपके किसी ना किसी होटल या रेस्टोरेंट में चला जाएगा, पर उस टेम्पो के पास लेके चलो, उसमें आपको दिखाई देंगी, और देखिए हम ये पानी है जहाँ पर, पानी है जहाँ पर जाए, और ये पानी के जो जिंदा मछलियाँ हैं जो आप लोग खाते हैं बड़े स्वाद से, आज हम ले आए हैं आपको मछली मंडी में, और देखिए ये मच्छी, और देखिए जहाँ पर भाव लग रहा है यहाँ पर, और देखिए जहाँ पर ये मच्छी ये देखे लेके आ रहे हैं, ये मच्छी इसमें डालेंगे अभी, देखिए ये देखिए ये देखिए मच्छी यहाँ पर ये रख दिया गया मच्छी, हाँ, और देखिए ये मच्छी मंडी के जो ठेकेदार भी आ गए अंदर, आइयो आगे दिखाते हैं थोड़ा सा, और देखिए ये मच्छी मंडी में मच्छी लेने वाले लोग कैसे यहाँ पर लगे हुए हैं, जहाँ पर तोल भाव हो रहा है, मच्छी मंडी में हम घूम चुके हैं, जहाँ पर आपको दिखाते हैं कि मछली जो देखिए जे, अरे आ गई इसमें मच्छी, देखिए जो बच्चों देखो ये मच्छी जो है आपके पापा खाते हैं होटल में जाके रेस्टोरेंट में, ये जिंदा मछली हैं, दिखाओ मछली, छोटी छोटी मछली हैं, मछली जल की रानी है, और देखिए जो मच्छी जो आ रही हैं ये किसी ना किसी होटल में जाएंगी, रेस्टोरेंट में जाएंगी, और देखिए ये मच्छी आ गई हैं, ताज़ी मच्छी देखिए जहाँ पर अभी इनको जिंदा किया जाएगा, जहाँ पर ये जो सब मछलियाँ हैं, और देखिए जो दो बड़ी मछलियाँ पड़ी हैं जहाँ पर देखा ये, और ये आप लोग देखे जो मच्छी जितनी भी हैं जहाँ पर, या मच्छी मंडी है जहाँ पर भाव रहे, आप मच्छी लेने के लिए आए हैं, क्या भाव है, कितने रुपये किलो मिलता है इधर, फिर चालू कितना होता है, कितने रुपये किलो से चालू होता है, 100-150 रुपये या 200 रुपये, 125-150 रुपये किलो जहाँ जाता है, ये 125 रुपये किलो या 100 रुपये किलो मच्छी है जहाँ पर, और देखिए जो मच्छी बाजार है जहाँ पर, और जहाँ पर जो दर्शन लाल लड्डू जी चेयरमैन है, तो उन्हीं के अंडर ये जो मंडी आती है, तो हमको तो पता नहीं था, अखबार में पढ़ा कि ये जहाँ पर जो ताज़ी मछली, जो बम्बई की मछली, कलकत्ता की मछली यही मिलती है सारी, ठीक है, ये 125-100 रुपये किलो वाली मछली जो हमने आपको दिखाई है, ये ट्रक चला गया खाली होके, ये भी बाहर से आया था, देखे मच्छी वालों का नाम भी दिखा दो यहाँ, रोड़ा फिश, मोहित फिश, और देखिए यहाँ पर ये मच्छी रखी हुई है,
और देखिए मच्छी मंडी है, समय मच्छी मंडी में खड़े हैं यहाँ पर। और दूर तक लगाओ जरा कैमरा, दूर तक दिखा, और देखो दूर तक लगाओ कैमरा, जो मच्छी मंडी है जहाँ लुधियाना शहर की, और मच्छी खरीदने वाले और बेचने वाले जहाँ पर खड़े हैं। ये क्या भाव है भाई, क्या भाव चल रहा है, क्या भाव? कोई रेट नहीं, 110 रुपए जा रहा है। ये कौन सी जगह से लगे आए हो? रोहू है। ये रोहू कहाँ पे पड़ता है? राहो है ना? नहीं, कौन सी जगह से लेके आए हो? ये लाए हैं धूरी के पास। धूरी के पास है ये, सतलुज का? ये कौन सा भैया सर? लोकल है। जो लोकल जो पिंडो में छप्पड़ बना रखे हैं, छप्पड़ वाली मच्छी है भाई, देख लीजिए। ये देख लीजिए मच्छी मंडी भाई साहब, हनी मनी फिश कंपनी। देखिए जहाँ पर जो मंडी है, जो मछली मंडी है, देख लो बच्चों, जो हमारे डैडी पापा खाते हैं, चाचा जी खाते हैं, दादा जी खाते हैं मच्छी। मेरे साथ रामपाल तिहान जी बैठे हैं, और ये जहाँ पर फिश मंडी जो है इनकी निगरानी में चलती है जहाँ पर। तो हम जहाँ से गुजर रहे थे, जब हमने वीडियो वगैरह बना लिया, जहाँ पर आपको दिखाया कि कैसे कैसे फिश आती है, पानी में आती है और पैक होकर आती है। और ये हमारे पास रामपाल तिहान जी हैं, जो कई सालों से काम कर रहे हैं, तो जी हमें बताएंगे जहाँ कहाँ कहाँ से फिश आती है और कैसे इनको साफ सुथरा रखा जाता है। एरिया देखिए, साफ सफाई तो यहाँ पर बहुत है, और कहाँ कहाँ से मच्छी आती है रामपाल, दसो कितों कितों मच्छी आती है, तो कितना अपन साफ सफाई रख देते? इतने जी मच्छी जी है आंध्र प्रदेश तो लैके हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, ये सारे पासों मच्छी इतने आती है। तो भी आती है कि जी, बाकी थाईलैंड हो गए या इधरों ताइवान वगैरह तो अंदर नहीं, इन दूरों मच्छी इतने आती, इतों ही आती लोग मच्छी जी है। हाँ, इंडिया का। हाँ जी, हाँ जी, समंदर जी। तो इतने यानी कि लोगों के अपने फार्म है जो मच्छी पालन करते हैं, वो पालन करके मच्छी जी है इतने लैके आते हैं फिश मार्केट ताजपुर मच्छी मंडी जी। इतने यानी कि चार पाँच छः साल करीब हो गए ये मंडी चलती पी है। रहेगी गल सफाई की, सफाई तो देखो जी मच्छी का कम है, ये देखो गंद का पैदा ही पैदा है, ठीक है। चलो खैर बंदे लगे ने, ऐसी गल नहीं, सफाई करने वाले दो टाइम सफाई करते हैं, पर हाले उन्ना के यानी कि सफाई जी है ना वो ढंग ना हो नहीं रही अजे, क्योंकि तुम भी जाके देखा तो चैनल के माध्यम तो असं दसना चाहते हैं भी आ जी सफाई सिस्टम जो है ये होर यानी कि वधिया ढंग ना यानी कि होना चाहिए। चेयरमैन जो है मंडी मार्केट मंडी बोर्ड ही है चेयरमैन वगैरह जो कम होने मंडी बोर्ड चेयरमैन ही है तो हाँ वो ही देखते हैं इतने सारा कुछ। तो वो आए थे इतने आ के देख के गए ने, तो उन्होंने मतलब आके सुधार भी किया, ऐसी गल नहीं, पर असं चाहते होर यानी कि सुधार होना चाहिए। इन्होंने चाहिए भी बंदे बद रखन मंडी के बच्च, क्योंकि कच्चा काम है, महामारी फैलन का खतरा, इस करके असी उन्होंने बेनती की सी भी तुसी अपना जोड़ा है बंदे बद रख के सफाई जी है तो ये रखी जरूर सफाई की जाए बदे ढंग। जो ठेकेदार ने वो मच्छी जी लैके आते तो यानी कि इन्हें गड्डी से पानी ऑलरेडी होंगे ही है, ठीक है नहीं, वो पानी जोड़ा है पानी ना जो माड़ा मोटा गंद हों सारा साफ हो जाता। बाकी होर जोड़ा है क्योंकि जी आंध्र प्रदेश तो गड्डिया आदि ने उन्हों का अपना एक तो फक का है, दूजा थर्माकोल का है, वो बारे असं कई दफा कह हटे भी यदा यानी कि सिस्टम कोई बनाया जाए तो वधिया गल है। देखो रामपाल तिहान जी ने बताया कि जो समुंदर से मच्छी आती है तो वो थर्मोकोल में आती है, तो उसके बाद फक होती है जिसमें वो लाद के लाते हैं, बड़े बड़े ट्रक हमने आपको दिखाए थे। तो उसकी साफ़ सफाई का काम जो मंडी बोर्ड है, मंडी कमेटी है, और चेयरमैन जी यहाँ पर आए भी थे, उन्होंने देखा जहाँ पर सफाई वगैरह का जो मायना किया था, वो कहते हैं हम जहाँ सफाई कराएंगे, और दिखान जी कह रहे हैं कि अच्छी तरह जहाँ सफाई होनी चाहिए ताकि जहाँ पर जो गंदगी वगैरह ना फैले और जो जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो। मैं रामचंद्र सानी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, साफ सफैया तो अपना जनता जितना होता है हम लोग तो करबे करते हैं, तनिया थोड़ा सा ये है हमारा प्रॉब्लम आ रही है जो थोड़ा पार्किंग में गाड़ी सेट से लगेगा ना तो हमको आकर थोड़ा व्यवस्था सही रहेगा, थोड़ा जाम हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। दूसरी बात, मेरे मुलाजिम जो है यहाँ पर हर स्टेट से मच्छी आ जाती है, मुक्सर, मलोट, बठिंडा, बरनाला, रामपुर, फूर, सुनाम, पथरा, जाखल, सिरसा, मानसा, खिलन, पूरे पंजाब के मच्छी यहाँ सप्लाई होती है। जैसे कि इधर हो गया अम्बरसर, इधर हो गया क्या नाम है डाब वाली, इधर हाँ जम्मू कश्मीर, हाँ हाँ जी। इतना ही कहता हूँ सर, ये एक मुलाजिम हमारे लिए
मांग करेंगे इतना ही चेयरमैन साहब से हो चाहे मंत्री जी से, जो लोग मुलाजिम है से बड़ी तंग करता है, किसी गरीब का अफसर जो है से हम जाते हैं तो छोड़ते हैं तो ऐसे उसको तंग करते हैं। और जो मंडी मर के यहाँ पर करिंदे लगे हुए जो काम करने वाले कहते हैं उनसे भी हमें परेशानी है, उनको भी थोड़ा सा लाइन में लेके आओ ताकि जो मंडी बोर्ड के जो रखे हुए हैं यहाँ पर मुलाजिम वगैरह वो लोगों को तंग ना करें। ट्रैफिक वाले जो है, हाँ जो ट्रैफिक वाले हैं जो वो लोग तंग करते हैं। इतना ही के लिए यार मांग करता हूँ और सब कुछ हमारा बढ़िया है। दर्शन सिंह लड्डू जी बहुत बढ़िया आदमी है, इसी बात नहीं, कोई कमी नहीं उनको मैं है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद, मैं रामचंद्र सानी। और देखिए इस समय हम लुधियाना शहर की फिश मंडी में आए थे, मछली मंडी में, और आज हमने आपको दिखाया कैसे ट्रकों में जो मछली आती है और यहाँ पर कैसे इनकी सेल परचेज होती है और इन्हें कैसे पानी में रख के लाया जाता है और कैसे ये जिंदा मछली होती है और कैसे हमारे ये जहाँ से रेस्टोरेंट में, होटलों में, विवाह शादियों में लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो बच्चों हमने आपको ये दिखाने के लिए कि लुधियाना शहर में मछली मंडी कहाँ पर है और इसके प्रधान जो दर्शन लाल चेयरमैन लड्डू जी हैं उन्होंने हमें बताया, अखबार से हमें तो पता नहीं था ये मछली मंडी है लुधियाना शहर में, और हमने आपको मछली मंडी दिखाया। बाय बाय श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।